603 कोण 32 में सीटें हैं और 272 लोगों ने इसमें अपीयरेंस किए जो मतलब परीक्षा पास की है। इस तरह GIT 939 उसमें 295 लोगों की सीटें हैं, बच्चों की सीटें हैं और 295 लोगों ने इस सीट इन रिजल्टों को पास किया है। इस तरह ड्राइंग मास्टर की बात करूं जो 980 सीटें हैं और 314 लोगों ने इस सीट को जो है पास किया है और 970 व्यक्तियों ने जो उसको मतलब पेपर दिए हैं, तो कुल मिला के 2558 लोग इसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं और 2570 व्यक्तियों ने जो उसको मतलब रिजल्ट में अपील हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन रोजगारों को जो आज बाहर बैठे हैं सीट में बीमार हो रहे हैं और अपना घर बार छोड़कर मेरी बेटियां बहने बहुत सी ऐसी बैठी है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई चिंता नहीं है जो इन बच्चों का जो शोषण किया जा रहा है और इस शीतलहर में जो उनका बहुत ही स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मेरा माननीय महोदय से निवेदन है कि इन बच्चों की चिंता करें। आप रोजगार की बात करते हैं, सरकार रोजगार देने की बात करते हैं, ये ढाक का रोजगार जो बच्चे कई दिनों से सड़कों में बैठे हैं। तो माननीय उपभुक्त महोदय, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के पेंशन की बात आती है, मैं भी शक में हूं, मैं भी सेवानिवृत कर्मचारी हूं, सेवानिवृत्ति ली है मैंने, लेकिन जहां पेंशन देने की बात है इसमें कोई भी जिक्र नहीं है कि किस तरह की पेंशन दी जाएगी। अगर आप बता दें तो मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो आप मुझे बता देंगे कि किस तरह की पेंशन आप दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। आज आपके बिजली विभाग के कर्मचारी सड़कों में बैठे, उनको तनख्वाह नहीं है, आपके ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी तनख्वाह में तरस रहे हैं, 800 कर्मचारी नौकरी को तरस रहे हैं जिनको आपने 10,000 लोगों को बाहर निकाल दिया। आप कहते हैं कि हम रोजगार देने की बात करते हैं, तो रोजगार देने की बात कहाँ है, जहाज सड़कों पर उतरे हैं। तो मेरा आपसे पैसे निवेदन है जो आपने पेंशन देनी है उसको पहले निर्धारित कीजिए, ताकि आप आज जो कर्मचारी जो ठगा महसूस कर रहे हैं, क्यों ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो ताना बुना आपने बुना है, चाहे 40% की बात है, चाहे 30% की बात है, चाहे 20% की बात है, इसमें दर्ज हो रही है। तो मेरा निवेदन है इन कर्मचारियों को ठगने की बात जो आपने कही है वो सरकार आपने बुलाई है, तो आप एक साल के बाद आपने कहा था एक पहली बैठक में हम जो है इस निर्णय लेंगे, लेकिन मेरा माननीय महोदय से निवेदन है कि सरकार के माध्यम से इन ठगे हुए कर्मचारियों को कुशलता के साथ जो कार्य करने की क्षमता मिले, ताकि जो आपने पैसे दिए माननीय